जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने बहुपद, वास्तविक संख्या, एपी और सांख्यिकी, इन सभी चैप्टर पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। उसमें मैंने बताया था कि ये जितने भी चैप्टर है, इन सभी चैप्टर में मैंने ये बताया था कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में, कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, और साथ ही साथ पूरा एक एक वीडियो में एक एक चैप्टर को मैंने समाप्त किया था। उन सभी में ये बता दिया था कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बना करके मैंने बताया था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं, और किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में वो सारा का सारा मैं आपको बताने वाला हूं। पॉजिटिव बात यह है कि मैं इसमें समझाने वाला भी हूं बेस्ट ट्रिक से, ठीक है। सारा का सारा जो कंसेप्ट है ना भाई, क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में, ठीक है। थोड़ी सी आवाज़ थोड़ा फस फस करके आ रहा होगा, गला खराब है अभी, ठीक है, अभी तो फिर फिलहाल अभी सही है। तो ये सारा का सारा मैं पूरा जो त्रिकोणमिति है ना 8.1 से लेकर के 8.4, ये सारा का सारा इसी वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना, अगर नहीं देखा ना तो भाई एग्जाम हॉल में पछताओगे, तो भाई इसका दोष मुझे मत देना, ठीक है। तो देख लो, सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलो यार, पहला क्वेश्चन लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। हाँ तो यार लो, यहाँ सबसे पहला सवाल हमारे पास ये है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, टेंशन लेना नहीं है। ऑब्जेक्टिव से लेकर के सब्जेक्टिव तक सारा का सारा इस वीडियो में हम देखेंगे, पूरा डाउट ही क्लियर हो जाएगा, पूरा 100% समझ में आ जाएगा। जो बच्चे कुछ कारणवश एग्जाम मतलब पढ़ाई उढ़ाई नहीं किए हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि मैं यहाँ पूरा टाइप का क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है टेन थीटा बराबर 0.75, तब साइन थीटा के मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए या प्रकलित कीजिए या गणना कीजिए, ऐसे लिखा रहेगा तो भाई कंफ्यूज होना नहीं है, बिल्कुल नहीं होना है। हाँ तो टेन थीटा बराबर 0.75 है। अब कुछ बच्चे जो होते हैं ना, पॉइंट के बाद 75 पढ़ेंगे तो गलती है, ऐसे नहीं पढ़ा जाता है, पॉइंट के बाद एक एक अंक को पढ़ा जाता है, राइट। तो टेन थीटा बराबर इतना है, तो साइन थीटा की वैल्यू ज्ञात करना है। सिंपल यहाँ लिखेंगे हल, थोड़ा ढंग से हल हम लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे टेन थीटा बराबर 0.75। अब आपको पता होगा जब भी पॉइंट हटता है ना तो नीचे बटा लगाते हैं, और पॉइंट के बदले एक आता है, याद रखना पॉइंट के बदले एक। अब पॉइंट के बाद जितना संख्या उतना जीरो, दो संख्या है ना, दो डिजिट है, तो दो जीरो रख दो, आ गया। चलो ये आ गया हमें, आप काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं। तो अगर 25 तिहाई 75 और 25 चौके 100, तो कुल मिला के कहा जाए तो टेन थीटा जो बराबर आया 3/4 आया। टेन थीटा बराबर क्या है? 3/4। अच्छा आपको तो फॉर्मूला याद होगा कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो भाई, टेन थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी बाई बी। क्या होता है? लिखते चलना, पी बाई बी। पी बाई बी यानी परपेंडिकुलर बटे बेस, हिंदी में कहा जाए तो लंब बट्टा आधार। भाई क्या हो जाएगा? लंब बट्टा आधार, ठीक है। तो कुल मिला के कहा जाए तो टेन थीटा बराबर जो हमारे पास फॉर्मूला होता है पी बाई बी बराबर, और मान कितना है 3/4 है, तो हम लिखेंगे 3/4 पी बाई बी। तो पी की वैल्यू आई 3 और बी की वैल्यू आई 4। हमें ज्ञात किसका मान करना है? ज्ञात पहले बताइए, साइन थीटा की वैल्यू ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? साइन थीटा। तो साइन थीटा हमारा फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई एच होता है। पी बाई एच यानी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, मतलब लंब बटे कर्ण होता है, ये फॉर्मूला हमारे पास। तो पी तो हमारे पास देख सकते हैं निकल गया, पी हमारे पास 3 है, लेकिन एच नहीं, हाइपोटेनियस नहीं है, तो हाइपोटेनियस निकालेंगे। तो हाइपोटेनियस निकलता है जैसे ये कर्ण होता है ना, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकलता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से इससे हम निकालेंगे कर्ण बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो वही कर्ण एच है। तो एच बराबर क्या होगा? पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का रूट अंडर। ध्यान रखिए, अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो इधर रूट नहीं पड़ता, ठीक है, समझ गए ना। तो अगर ये स्क्वायर नहीं किया तो रूट पड़ गया। आप देखिए हमारे पास पी की वैल्यू कितना है, तो पी की वैल्यू 3 है, तो हम 3 लिखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। प्लस बी की वैल्यू 4 है, तो हम 4 लिखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं, 3 का स्क्वायर 9 होगा, प्लस में 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 होगा। रूट डाल दीजिए, रूट है तो रूट। तो हमारे पास आगे बढ़ते हैं, 16 9 कितना होगा भाई? 25 होगा। रूट डाल दीजिए, 25 का वर्गमूल कितना भाई? 5। रूट निकालना मतलब
इसका वर्गमूल निकालना, तो 25 है तो इसका वर्गमूल 5 है, क्योंकि रूट के अंदर जो होता है ना उसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 गुने 5 होगा, होगा कि नहीं होगा। और रूट कहता है कि दो गो में से एगो के बाहर फेंको भाई, एगो बाहर फेंको, तो दो गो में से एगो बाहर फेंका जाएगा तो 5 ना आएगा। तो एच की जो वैल्यू आई 5y, ठीक है, तो P बाई एच होता है साइन थीटा का वैल्यू निकालना है ना, P बाई एच होता है इसका फॉर्मूला, तो P की वैल्यू पहले से कितना है 3, तो हम लिखेंगे 3, ठीक है, आई एच कितना निकला 5, तो निकले 5। तो भैया देखो साइन थीटा का आंसर कितना है 3/5 आंसर, राइट। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप ध्यान से देख लो भाई, आप समझ गए। अभी तो ये ट्रेलर है, फिल्म तो पूरा बाकी है ना, है तो ये नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम अगला प्रश्न की ओर अब चलते हैं, भैया स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो यार देखो सेकंड क्वेश्चन मैंने लिया, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है कि टेन थीटा बराबर एम बटा एन, तब कॉस थीटा और साइन थीटा के मान होंगे बताइए। इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, तो समझिए ना कौन दिक्कत है, आप कॉन्सेप्ट देखिए ना। टेन थीटा बराबर एम बटा एन, आप पहले ही बोल देते हैं, अगर हमारी क्लास से अगर बोर हो रहे हैं कि आपको लग रहा है कि क्वेश्चन आ रहा है, तो आप क्या कीजिए वीडियो को भगा करके देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, या वीडियो को पॉज कीजिए आराम से पलती मार के बैठ जाइए बिछौना पर, आराम से सॉल्व करते रहिए, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिखा गया था सॉल्व कीजिए पॉज करके, अगर आ जाता है तो आगे बढ़ा दीजिए, दौड़ा दीजिए घोड़े को, है ना, एकदम स्पीड में। तो टेन थीटा बराबर एम बटा एन है, तो टेन थीटा का जो फॉर्मूला आता है वो पी बाई बी भाई, पी बाई बी, तो एम बटा एन, तो इससे क्या पता चला कि P हमारे पास M और B हमारे पास N हो गया। तो हमको निकालना क्या है, अब पाइथागोरस प्रमेय से H ज्ञात कर लेंगे। तो H बराबर जो फॉर्मूला होता है भैया पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर का रूट अंडर, ये तो सबको पता है। P का वैल्यू कितना है हमारे पास M, तो M का स्क्वायर करेंगे, प्लस B की वैल्यू N है तो N का स्क्वायर करेंगे, रूट डालना दीजिए, ये हमारे पास H की वैल्यू आ गई। अब H तो हमारे पास निकल गया, इससे हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसे आगे सॉल्व करेंगे तो अनर्थे हो जाएगा, है ना, बवाल हो जाएगा क्लास में, ठीक है। अब cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू ज्ञात करना, भैया cos थीटा की फॉर्मूला क्या होता है, तब cos थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाई एच, ये तो सबको पता होगा, होता है कि नहीं, बी बाई एच, तब बी की वैल्यू, आइए आगे बढ़ते हैं, तो B की वैल्यू कितना है, तो B की वैल्यू n है तो हम n लिखेंगे, और H की वैल्यू कितना है, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का रूट अंडर, तो हम लिख देते हैं एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का रूट अंडर, भैया आंसर यही आ गया। आइए अब ये जो है ना साइन थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है ना, साइन थीटा का क्या था फॉर्मूला, पी बाई एच, भैया पी की वैल्यू कितना है, तो पी की वैल्यू एम है तो हम लिखेंगे एम और बटे, तो अब यहाँ पे देखिए h की वैल्यू कितना है, तो भैया एम स्क्वायर और प्लस में एन स्क्वायर का रूट अंडर, ये करनी हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है, तो ये आंसर आ गया। तो देखिए बहुत आसान है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, कौन दिक्कत है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लीजिए भाई साहब एक और क्वेश्चन आ गया, प्रश्न क्रमांक 3, cos थीटा बराबर रूट 3/2, तो सिद्ध कीजिए कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बराबर 1। इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा तो देखने को नहीं मिलता है, फिर भी अगर आ जाए तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, है ना, प्रूव करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात है। इसको प्रूव करने के लिए आपको देखिए P परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस और बेस तीन को ज्ञात होना चाहिए, नहीं होगा तो आप नहीं प्रूव कर सकते हैं, है कि नहीं, तो चलिए ना कौन दिक्कत है। कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है भाई बी बाई एच होता है, तो बी हमारे पास हो जाएगा रूट 3 और बट्टे में 2 है ना, तो बी हो जाएगा रूट 3, एच हो जाएगा 2। तो आइए गया अब हमको निकालना है परपेंडिकुलर पी, तो पी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय ऊपर लिख दीजिएगा, तो पी बराबर जो फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का रूट अंडर, तो कौन दिक्कत है, एच हमारे पास 2 है, अरे 2 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस, बी है तो रूट 3 है ना, करनी 3 है, इसका स्क्वायर करना दीजिए, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा माइनस रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 होगा, कैसे, रूट से स्क्वायर कट जाता है, वैसे हम काटेंगे नहीं, कैसे कट जाता है देखिए, रूट 3 का स्क्वायर कहेगा, रूट का जो वैल्यू होता है ना 1/2 होता है, जैसे 3 है तो 3 रूट का वैल्यू 1/2 है, इसमें कोष्ट लगा है 2, है ना, तो 3 आ 1/2 आ गुने में ये 2 है तो 2 से 2 उड़ गया, तो 3 के घात 1, अरे 3 के पावर 1 छिपा रहेगा चोरबा की तरह, है ना, कोई दिक्कत नहीं, भूत प्रेत की तरह आप लिख सकते हैं, ये 3 आ गया, तो आ गया ना, तो इसीलिए ना मैंने लिख दिया ये डायरेक्ट है, तो 4 में से 3 गया, तो कितना होगा भाई,
एक होगा, रूट लगा दो, एक का वर्गमूल एक होता है, तो पी का मान जो है एक आया। अब चलिए हम निकालते हैं इसको, अब क्या करते हैं प्रूव करते हैं, सिद्ध कर देते हैं। तो थ्री है तो थ्री बीच में मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लिखिए, साइन थीटा है जा देखिए, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच होता है, पी बाई एच होता है ना, तो पी ऊपर, तो पी है ऊपर एक, आई एच होता है, एच हमारे पास कितना दो होता है, दो लिख दीजिए आ गया। माइनस तो माइनस चार गुने, बीच में गुना रहता है, साइन क्यूब थीटा है ना, तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना वो पी बाई एच, तो पी बाई एच यही है, एक बट्टा दो रखिए, इसका हॉल क्यूब कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर एक के नहीं सीध करके लाना है, ये हमारे पास एल एच एस है, लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है ना। चलिए अब हम शुरू कर देते हैं, यहाँ से देखिए तीन से एक में गुना करेंगे, तीन है बट्टे में दो है तो दो लिखिए, माइनस तो माइनस, देखिए चार है तो चार लिखिए बीच में गुना, एक का क्यूब करेंगे तो एक, यानी एक को तीन बार गुना करेंगे तो एक, दो को तीन बार गुना करेंगे तो कितना होगा, तीन दूनी छः मत कर देना, तीन बार लिखेंगे ऐसे, दो गुने दो गुने दो, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, इसको काटो, चार दूनी आठ कट गया, तो ये तीन बट्टा दो माइनस के एक ऊपर और नीचे हो जाएगा, चार दूनी दो हो जाएगा, दो दो का एलसीएम दो होगा भैया, है कि नहीं, यहाँ दो से दो में भाई एक, यहाँ तीन है माइनस का एक, तो बराबर तीन में से एक गया तो कितना बचा, दो और बट्टे में दो, दो एकम दो कट जाएगा एक आएगा, यानी बराबर में एक चल रखते चलिए, है ना, थोड़ा ढंग से हम बना देते हैं, बराबर में एक रखते चलेंगे तो ये हो जाएगा दो और बट्टे में दो, दो से दो एकम दो कट जाएगा है ना, तो एक एक बराबर एक, तो ये हो गया प्रूव ना, तो ये हो गया सी। चलिए अब अगला प्रश्न लेते हैं, आप इसका चाहे तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए भाई लोग, क्वेश्चन नंबर फोर हमारे पास है, गौर से देखिए, लिखा गया कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर एक हो, तो सिद्ध कीजिए कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर प्लस माइनस के एक। हम कैसे सिद्ध करेंगे भैया, बहुत आसान है, आप देखिए तो सही, हाँ कैसे नहीं होगा तरीके, देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर एक है ना, आई सिद्ध करके लाना है ना, आ जाएगा। देखिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखेंगे जो दिया हुआ पहले से, आप लिख लीजिएगा थोड़ा ढंग से, दिया है इतना और फिर उतार करके लिखिएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो हम लिख देते कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा बराबर एक। अब लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग मतलब स्क्वायर करने पर, यहाँ पे लिख दीजिएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम लिखेंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर पड़ते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता होगा ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस टू ए बी, तो टू अगुने में ए, ए के जगह पे कॉस थीटा, अगुने में बी, तो बी के जगह पे साइन थीटा, भैया साइन थीटा हो गया राइट। अब बराबर, अच्छा ये बताइए एक का स्क्वायर है तो एक ही होगा, एक का स्क्वायर एक होगा, और आपको पता है त्रिकोणमिति फॉर्मूला में कि कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है। ये पूरे का फॉर्मूला कितना होता है, एक होता है, अगर आपसे पूछे तो यहाँ एक का स्क्वायर तो एक ही होगा, तो हम एक को न लिख करके एक का फॉर्मूला ही लिख देंगे कि एक का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया। या कई बच्चे जानेंगे कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ना होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस में उल्टा पुल्टा चलता है, इधर करो उधर करो कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने इसको उल्टा कर दिया है, समझ गए ना, तो एक का स्क्वायर एक, एक का फॉर्मूला ये मैंने डाल दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है ये, तो किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है, तो हम पूरे के बराबर में क्या लिख देंगे, एक, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। अब प्लस है तो प्लस क्या है लिखेंगे, बराबर है ना, तो हम बराबर डायरेक्ट लिखते हैं, इधर क्या है तो कहिएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं, आई प्लस का है ना, अरे पक्षांतर करेंगे मतलब बराबर से इधर लाएंगे, तो ये बराबर आ गया, इतना आ गया, ये बराबर से इधर ला रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस का टू कॉस थीटा और साइन थीटा। आप कहेंगे कि बीच में गुणवा का नहीं डाले, अरे गुना नहीं डाले तो गुना छिपा होता है, भूत प्रेत की तरह छिपा दिए, कौनो दिक्कत नहीं है। अब गौर से देखो, ये एक है तो एक, अब बताओ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी के फॉर्म में है कि नहीं है,
कोई भी आके बोलेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी किसके बराबर होता है, तो आप कहोगे भैया ए प्लस सॉरी ए माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है, तो ए माइनस के बी के होल स्क्वायर के बराबर होगा, तो ए कौन होगा कॉस थीटा होगा और माइनस बी कौन होगा तो साइन थीटा होगा, इतना के इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो इसका सूत्र क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हटेगा तो एक के रूट अंडर प्लस माइनस पड़ेगा, इधर का स्क्वायर हटेगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा और माइनस के साइन थीटा, है कि नहीं, तो प्लस माइनस एक का वर्गमूल एक ही होता है, ये प्लस और माइनस बराबर कॉस थीटा और माइनस के साइन थीटा, है कि नहीं, इधर उल्टा पुल्टा कर दो, इधर लिख दो इधर लिख दो तो प्रूव ना हो जाएगा, देखिए तो आ गया कि नहीं, सिद्ध कीजिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर प्लस माइनस एक है, देखिए बराबर प्लस माइनस एक है, मन है तो तराजू को घुमा दीजिए, ये समझिए तराजू है ना, है बराबर है तो घुमा सकते हैं, जैसे तराजू का डंटी होता है ना इधर पाँच किलो इधर पाँच किलो एना के घुमा देंगे तो कोई फर्क है, अरे कोनो फर्क नहीं है, तो इसको घुमा दो, है कि नहीं, प्रूफ तो हो गया ना, तो एक स्टेप और बढ़ा देना, हो गया सिंपल। चलिए अब इसी तरह अब हम अगला प्रश्न लेते हैं और समझने की पूरी कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों आप पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन तो हम जानबूझ के लिए हैं, ये तो उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन हम इसलिए लिए ताकि हम आपको कंसेप्ट समझा सके, कहे कि इसमें ना लड़का लोग क्या होता है कि कभी पी का मान बी में बदल देता है कभी बी का मान पी में, इसमें कन्फ्यूज हो जाता है, तो वो कन्फ्यूजन आज के बाद ना कभी आएगा नहीं, पूरा का पूरा दूर कर देंगे। और देखिए सबसे पहले आकृति में ये हमारे पास आकृति है उसमें टेन पी माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए, कह रहा है तो कौन दिक्कत है, अरे आसानी से ज्ञात कर लेंगे, सबसे पहले पी और बी है हमारे पास, सॉरी पी और एच है हमारे पास, निकालना क्या है बी, हम ये तो बी निकाल लेंगे ना तीनों चीज, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हैं बी बराबर फॉर्मूला, बी हमारे पास क्या है क्यू आर, तो आप बी निकाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं डायरेक्ट, तो बी का फॉर्मूला क्या होता है वही एच स्क्वायर और माइनस के पी स्क्वायर का रूट अंडर, तो भैया देख लीजिए एच हमारे पास है कितना 13, तो 13 का स्क्वायर और माइनस पी हमारे पास कितना 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे भैया रूट लगा दीजिए, 13 का स्क्वायर कितना 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, स्क्वायर मतलब 12 से 12 में गुना, 13 का स्क्वायर तो 13 दूना 26 मत कर देना, 13 का स्क्वायर यानी 13 से 13 में गुना कर देंगे 169 घटा दीजिए माइनस है तो ये हो गया 5 ये हो गया 2 भैया 25 आ गया, 25 का वर्गमूल कितना 5, चलिए बी की वैल्यू कितना है 5 आ गई हमारे पास निकल गया, तो ये जब निकल गया तो तीन गो चीज अब हमारे पास आ गया सेंटीमीटर, अब हमको ज्ञात करना होगा कि 10p माइनस कॉट आर, इसमें बच्चा क्या करता है मान जो बैठाता है ना तो वो ना नीचे से ऊपर तक चला जाता है, वो गलती कर बैठता है, तो फिलहाल हम इसको मिटा देते हैं, क्या मिटा दे, चलिए मिटा देते हैं, तो देखिए भाई 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है, 10p और माइनस कॉट आर का भैया कैसे निकालेंगे, देखिए थीटा के स्थान पर जैसे 10 थीटा होता है कि नहीं होता है, तो एक जगह थीटा के स्थान पे पी है एक जगह थीटा के स्थान पे आर है, यही दोनों ना माथा का दर्द है, तो वो दर्द हम खत्म कर देंगे, टेन थीटा का सूत्र क्या होता है पी बाई बी होता है याद रखना, माइनस कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है वो होता है बी बाई पी, होता है कि नहीं होता, चलिए होता है। और मैं आपको बता दूं कि अगर थीटा देखो यहाँ पे एक समकोण होता है 90 डिग्री, होता है कि नहीं, आप बाकी थीटा जो होता है ना कभी यहाँ बैठ जाता है तो कभी यहाँ बैठ जाता है, आ इसी बीच में चक्कर जो होता है ना ये बी आर पी दोनों में हेर फेर चलता है, आ एच जो होता है ना कहियो हेर फेर नहीं करता, ये अपन विराजमान रहता है यहीं के यहीं, कहियो चेंजे नहीं होता है, बी और पी में हमेशा चेंजे होता है, जी हाँ याद रखना, कभी चेंजिंग होगा तो आधार और लंब में चेंज होगा, ये जो है ना ये कर्ण कहियो चेंज नहीं होगा, कर्ण तो एक गो ना है तो ये चेंज नहीं होगा, ठीक है, तो कैसे तो समझिए हम अब आपको बताते हैं कि अगर थीटा ऊपर है, याद रखना सिर्फ याद रखना कि अगर थीटा ऊपर से है लिया जा रहा है तो आप याद रखिएगा जो B है ना वो P कहलाएगा और जो P है ना वो B कहलाएगा, अगर थीटा ऊपर से लिया जा रहा है तब,
ठीक है, अगर थीटा ऊपर से नहीं रहेगा खाली नीचे से रहेगा तो जैसा है वैसा ही रहेगा, बी है तो बी है, पी है तो पी है, यानी आधार है तो आधारे रहेगा और लंब है तो लंबे रहेगा। अब बेचारा कर्ण को इन्वॉल्व नहीं कीजिए, कर्ण तो अपना ना चुपचाप ना बैठा हुआ है कि हम तो इधर छी, हम सबको देख रहे हैं। बेचारा दोनों का ना कारनामा देखता रहता है कि दोनों इधर से उधर घूमता रहता है, तो बेचारा अकेले इधर बैठा रहता है आराम से, है ना, आलसियों ना कहीं हो जाए। तो टेन पी, तो देखिए पी कहाँ ऊपर है, मतलब थीटा ऊपर है, तो थीटा ऊपर चला गया तो मतलब समझिए ये जो बी नजर आ रही पी हो जाएगा, आ जो पी नजर आ रही बी में बदल जाएगा, समझ गए। आई ना गलती से मान उठा करके पांच ऊपर रख दीजिए, बारह नीचे कर दीजिए, ऐसा मत कीजिएगा, क्लास में बवाल हो जाएगा, ऐसे मत कीजिएगा। तो टेन पी मतलब टेन पी यानी ये जो कौन हो गया हमारे ऊपर से, तो इसका फॉर्मूला था पी बाई बी, तो पी हमारे पास कितना था पाँच है भैया, तो पाँच ले लो। अब बी का कितना है वैल्यू, बारह, तो हम बारह ले लेंगे, माइनस है तो माइनस। अब कॉट आर, अब देखिए थीटा ये आर है, तो आर कहाँ है भैया, नीचे है, देखिए आर कहाँ है, नीचे है, तो नीचे आ गया ना थीटा, तो नो चेंज, जैसा है वैसे ही रहेगा भैया, जैसा है आपको वैसे ही रहना, नीचे थीटा आ गया कोई चेंज नहीं। ई बी है ना तो बी रहेगा, ई पी है ना तो पी रहेगा, ठीक है, ऐसा ही रहेगा। ये नहीं कि मान को इधर उधर उलट दीजिएगा, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं, अनर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो बी बाई पी, तो बी हमारे पास पाँच है और पी हमारे पास कितना है, बारह है, मैंने लिख दिया, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए पाँच बट्टे बारह माइनस पाँच बट्टे बारह, घटाएंगे तो कितना बचेगा, एक प्लस का माइनस का कट जाएगा, बराबर में हमारे आ जाएगा जीरो, भैया जीरो आंसर आ गया, ठीक है, समझ गए ना। तो आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, आइए अगला प्रश्न हम लेते हैं। तो प्रिय छात्रों, 8.1 आपके बुक होगा एनसीईआरटी, 8.1 में क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 10, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 3, 4 और 10 आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखने को मिलेगा, वहाँ से ही देख लीजिएगा, क्योंकि अगर ये सब अगर इन्वॉल्व करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए 3, 4 और 10 मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, देख लीजिएगा, कुछ बच्चे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पता नहीं है, तो जैसे अभी वीडियो देख रहे हैं ना इसे, तो देखते होंगे तो आई साइड में, आई साइड में होगा इस तरह से त्रिभुजाकार कुछ नजर आएगा आपको, इसको केमिस्ट्री में हम डेल्टा बोलते हैं, ठीक है, ऐसा नजर आएगा। आई पर जब ये प्रेस कीजिएगा ना तो वीडियो के नीचे धड़धड़ा के डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, वही के ऊपर कीजिएगा ना तो आपको मिलेगा क्या, क्या मिलेगा भाई, तो लिंक मिलेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। और फिर इसको दाब दीजिएगा तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या होगा, बंद हो जाएगा, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो 3, 4, 10 देख लीजिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आइए अब चलते हैं 8.2 की ओर। हाँ तो भाई लो, 8.2 में सबसे पहला सवाल मैंने गेस किया, यहाँ पे देख लो, मैंने लिया कॉस स्क्वायर 0° प्लस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 4। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए क्योंकि इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं और कुछ बच्चे को तो पाई का वैल्यू ही नहीं पता रहता है त्रिकोणमिति में हमें कितना लिखना है, ठीक है। पाई का वैल्यू अगर क्षेत्रमिति में जाएगा तो 3.14 या 22/7, त्रिकोणमिति में 180° आपको लेना होता है, ठीक है, पाई की वैल्यू। तो हमारे पास ये कॉस स्क्वायर 0° है, तो हम लिखेंगे, हल करते हैं यहाँ से, कॉस स्क्वायर 0° हम लिख लेते हैं प्लस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 है, तो पाई की वैल्यू 180° और बटे में 4, और प्लस में साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर पाई की वैल्यू 180° और बटे में 4, काटो भाई 45 चौके कट जाएगा, 4 चौके 16, 4 5 20, ये भी 45 चौके कटेगा। तो आप देख रहे हो कि कॉस स्क्वायर 0° प्लस में 10 स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, 45°, और ये भी प्लस में साइन स्क्वायर 45°। तो अब तो ये आसान हो गया, बहुत आसानी से इसका वैल्यू रखो, कॉस 0° है, कॉस स्क्वायर है ना, तो कॉस 0° की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो 1 लिखो, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, प्लस 10 45° का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो 1 लिखो, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, और प्लस साइन 45°, साइन 45° का वैल्यू कितना है, 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। अब यहाँ से क्या करना है, 1 का स्क्वायर 1, अब प्लस 1 का स्क्वायर 1, अब प्लस में 1 का स्क्वायर 1, और √2 का स्क्वायर 2 होगा, 1 और 1 2, आप प्लस में 1/2, भैया इसके नीचे 1 छिपा रहता है, 2 1 का LCM कितना होगा, यहाँ से हम LCM ले लेते हैं, 2 होगा, और इसमें भाग देंगे तो क्या, 2 2 4 है ना, और प्लस में 2 1 2, तो यहाँ हो जाएगा 1, हो जाएगा हमारे पास 4 1 5/2 आंसर, भैया कितना हो जाएगा इसका आंसर, सॉरी हाँ 5
पांच बटे दो आंसर, चार एक पांच बटे दो आंसर हमारे पास आ गया। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ओके, हाँ तो भाई ये देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास आ गया। इस चैप्टर का प्रश्न क्रमांक 2 मैंने लिया, गेस किया। तो देखिए इसको समझिए, क्वेश्चन दिया गया कि यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो इतना को सत्यापित कीजिए, यानी प्रूव कीजिए। कैसे करें? बहुत आसान है। अरे साइन थीटा है तो साइन थीटा, सॉरी साइन है तो साइन, और थ्री है तो थ्री, बीच में क्या होता है मल्टीप्लाई, और थीटा की वैल्यू कितना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिखिए। बराबर थ्री है तो थ्री, साइन है तो साइन लिखिए, और थीटा की वैल्यू कितना 30 डिग्री है तो 30 डिग्री लिखिए, और माइनस चार और गुने में बीच में गुना रहता है, साइन है तो साइन लिखिए, क्यूब है तो क्यूब लिखिए, और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री तो 30 डिग्री लिखिए। मैंने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे सब में, देखिए यहाँ से बहुत सिंपल है भाई, साइन है तो साइन लिखिए, और 30 तिहाई 90 डिग्री भैया बराबर में। अब तीन है तो तीन, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है 1/2, और माइनस चार गुने में साइन क्यूब 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितना था 1/2, इसका क्यूब है तो क्यूब लगा दीजिए, कौनो दिक्कत नहीं है। अब बताइए साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो भाई एक होता है, और बराबर तीन से एक में गुना करेंगे तो तीन, और दो है नीचे तो दो रहेगा, माइनस चार है तो चार लिखिए, गुने एक का क्यूब करेंगे यानी एक को तीन बार गुना करेंगे तो एक, और दो को तीन बार गुना करेंगे तो आठ, इसको काटिए चार दूनी आठ, तो 1/2 हो जाएगा, तो 1/3/2 है कि नहीं, और माइनस के 1/2 हो जाएगा। चलिए 1/2 कैल्शियम 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 और माइनस में 1 है ना, तो 1/3 में से गया तो 2 और बट्टे में 2, 2 एकम 2 कट जाएगा, तो भैया 1/1 है कि नहीं, तो ये क्या हो गया बताइए भैया, ये प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, लिख देंगे प्रूव डैट है ना, एकदम घसीट के। ठीक है, तो ये आ गया, अब समझ गए होंगे कि कैसे हुआ। चलिए अगला प्रश्न हम लेते हैं। तो प्रिय छात्रों, अब मैं आपको बता दूं कि 8.2 में पहला का दूसरा और तीसरा सवाल, पहला का दूसरा और तीसरा सवाल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप बनाने की कोशिश पूरा करेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो देखो इस सब पर हम पहले वीडियो, मैंने तो त्रिकोणमिति खत्म कर दिया हुआ है, अगर आपने नहीं देखे हैं पहला का दूसरा और तीसरा सवाल तो आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखने को मिल जाएगा, वहाँ पे मैं लिख दूंगा एक्सरसाइज 8.1 का पहला का दूसरा सवाल और तीसरा सवाल, ऐसे मैं लिख दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूँ 8.2 का तीसरा सवाल भी बना लीजिएगा, सिर्फ तीसरा, इधर पहला का दूसरा तीसरा हुआ, तीसरा बनाइएगा फिर दूसरा का दूसरा बनाइएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, अगर वैसे डालिएगा ना कि एक्सरसाइज 8.2 यानी एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 8.2 बाई पंकज सर, तो पूरा वीडियो आपके सामने आ जाएगा, आप देख लीजिएगा, वैसे प्लेलिस्ट में भी आप जाकर के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया, चलिए भाई आगे हम बढ़ते हैं, 8.3 की ओर हम चलते हैं। ठीक है, हाँ तो भाई लो यहाँ पे अगला प्रश्न हमारे पास यहाँ पे सबसे फर्स्ट 8.3 का, कि साइन थीटा को थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमिति अनुपात में लिखे। भैया ये डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछ रहा है कि जब भी ऐसा है ना कि साइन थीटा को थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमिति अनुपात में लिखे, तो समझ जाना कि साइन थीटा का फॉर्मूला पूछ रहा है। तो भैया साइन थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे ये पूरक कोण में डालना है, क्या डालना है आपको, तो यहाँ पे लिखना है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हमारे पास आंसर हो गया। राइट, चलिए अगला प्रश्न हम लेते हैं। हाँ, आपको साइन थीटा के पूछ दे, कॉस थीटा के पूछ दे, टेन थीटा के पूछ दे, तो ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, टोटल 6 फॉर्मूले आते हैं। ठीक है, आपके बुक में होगा, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। राइट, चलिए अगला प्रश्न हम लेते हैं और इसको घुमा देते हैं, ये तो छोटा मोटा है, चीट पुट है ना, फिर भी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में है के, तो भाई स्क्रीनशॉट ले लो। तो प्रिय छात्रों, अगला प्रश्न हमारे पास है इस चैप्टर में, देखो यहाँ पे समझो, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि साइन 67 डिग्री और प्लस में कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 75 डिग्री के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए। कैसे करेंगे, मतलब समझिए कि आपको जो 67 डिग्री और 75 डिग्री नज़र आ रहा है, तो इसको क्या करना है, आपको इस तरह देखना है कि 0 डिग्री से बड़ा और 75 डिग्री से छोटा, उसी बीच में आपको आना चाहिए क्या त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको जब बदलेंगे तो।
वो आपको लाना है। तो सिंपल सी बात है, दोनों को हम बदलेंगे पूरक कोण में, है ना, दोनों को सूत्र लगा के, तो कोई दिक्कत नहीं। थीटा के स्थान पे कितना डिग्री है, यहाँ पे 67 डिग्री, यहाँ पे थीटा के स्थान पे 75 डिग्री है, 0 डिग्री से बड़ा और 75 डिग्री से छोटा होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये साइन आई थीटा, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, कॉस होता है 90 डिग्री माइनस के थीटा होता है। तो हम माइनस के थीटा नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि थीटा के जगह पे 67 डिग्री है ना, तो डायरेक्ट हम लिखते हैं यहाँ पे 67 डिग्री। ओके, प्लस है तो प्लस, अच्छा कॉस 75 डिग्री तो कॉस थीटा है, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है भैया साइन 90 डिग्री माइनस के थीटा होता है, तो थीटा के जगह पे यहाँ पे कितना है 75 डिग्री, हम लिखेंगे 75 डिग्री, राइट। चलिए कॉस है तो कॉस लिखिए, है ना, 90 में से 67 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, तो 10 में 7 गया था 3, ये बचा कितना 8, 8 में 6 गया था तो 23 डिग्री, और प्लस में साइन है तो साइन लिखिए, 90 में से 75 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 में से 5 गया था 5, बचा 8 में से 15 डिग्री, ये हमारे पास आंसर आ गया। देखिए 0 डिग्री से बड़ा है और 75 डिग्री से सब छोटा है, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। तो प्रिय छात्रों यहाँ पे देखो अगला प्रश्न हमारे पास है कि साइन 50 डिग्री बराबर 0.7660 इतना दिया है, साइन 50 डिग्री बराबर इतना, तो कॉस 40 डिग्री बराबर कितना होगा बताइए। सिंपल है भाई, कोई दिक्कत नहीं, कॉस 40 डिग्री बराबर पूछ रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, कॉस 40 डिग्री तो ये थीटा के स्थान पर कितना है 40 डिग्री, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो सिंपल सी बात है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, यही ना होता है फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं, साइन है तो साइन लिखिए, 90 डिग्री है तो 90 डिग्री लिखिए, माइनस तो माइनस, थीटा के स्थान पे कितना डिग्री, और हाँ 40 डिग्री है तो हम लिखेंगे 40 डिग्री, ठीक है। अब ये साइन है तो साइन लिखिए, 90 में से 40 जाएगा तो 50 डिग्री होगा, ठीक है। तो साइन 50 डिग्री आया, तो साइन 50 डिग्री का वैल्यू अब कितना होगा, तो पहले से दे रखा है साइन 50 डिग्री का वैल्यू कितना, तो 0.7660, तो यही आंसर आएगा, साइन 50 डिग्री की वैल्यू पे वही रख देंगे 0.7660। कहने का मतलब कि कॉस 40 डिग्री का वैल्यू जब सॉल्व किए तो हमारे पास इतना आंसर आ गया 0.7660, राइट, आप समझ गए, बहुत आसान था, ठीक है। आइए एक और प्रश्न लेते हैं, एक प्रश्न हमारे पास है कि साइन 70 डिग्री और बट्टे में कॉस 20 डिग्री, ये तो बहुत आसान है, इसमें इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना, किसी एक को बदलना होता है, किसको बदलना होता है, किसी एक को, या तो ऊपर वाले को बदलो या तो नीचे वाले को, कोई एक का फॉर्मूला लगाओ, तो ऊपर वाले फॉर्मूला लगाते हैं साइन 70 डिग्री, यानी साइन है तो साइन, अब बीच में यहाँ पे थीटा है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हम आपको बताए थे साइन थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस 90 डिग्री माइनस के थीटा, तो थीटा के स्थान पे 70 डिग्री, तो हम लिखेंगे 70 डिग्री, आप बट्टे में कितना लिखेंगे कॉस 20 डिग्री है तो 20 डिग्री, कोई एक को बदलना होता है, कॉस है तो कॉस लिखिए, ठीक है, इंटू 90 में से 70 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, 20 होगा, 20 बचेगा कि नहीं, तो डायरेक्ट लिखते हैं 20 डिग्री, आप बट्टे में हो जाएगा कॉस 20 डिग्री, ये कॉस 20 डिग्री से एक मर्तव्य कटेगा, तो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा, ठीक है, इस टाइप के। आइए आप आगे हम आपको बताते हैं कि किस किस टाइप के इस चैप्टर में क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रिय छात्रों 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 6 और 2, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ ये सब वीडियो, ये सब चैप्टर मतलब क्वेश्चन का वीडियो कहाँ मिलेगा, तो आप सबको पता है कि मैंने तो पूरा त्रिकोणमिति पहले से खत्म कर चुका है, तो सब बना हुआ है ना यूट्यूब पे, इस चैनल पे डाला हुआ है, तो उन सभी का जितना भी है ना सभी का एक साथ 8.1 से लेकर के 8.4 तक के पूरा का एक साथ प्लेलिस्ट जो होता है स्टेप बाय स्टेप, मैं आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही डाल दूंगा, वहां से आप देख लेना, ठीक है, ओके। और चलिए 8.4 की ओर चलते हैं, ओके। अब प्रिय छात्रों 8.4 में मैं आपको बता दूँ, इस पर तो कई बार मैंने वीडियो भी बनाया है, तो देखिए पचमा का पहला दूसरा तीसरा और पहला दूसरा और ये है हमारे पास सतमा और ये दसमा, ठीक है, और चौथे का दूसरा सवाल, ये जितने भी क्वेश्चन 2, 2, 4, 1, 5, ये पांचों के पांचों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड की एग्जाम के लिए 8.4, सारा का सारा वीडियो आपको इसी वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट ही मिलेगा पूरा,
ठीक है, उस प्लेलिस्ट में ही मैं आपको डाल दूंगा, आप शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लेना, ठीक है, सारा का सारा आपको समझ में आ जाएगा। आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में, ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए और देखो यार। तो अगर वीडियो पसंद आए ना यार तो लाइक करना, दोस्तों को भी शेयर करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय दोस्तों।